उसका पैर देखो पूरा का पूरा ऐसे कैची लगा है। तो जब हम बच्चे को उस तरीके से सबसे पहले घर में कुछ नहीं करना, तो बच्चे को ऐसे बैठ के धूप दे आदत होगा, 1 घंटा 15 मिनट जितना तुम्हारे पास टाइम है, हर 2 घंटे के बाद धूप देख ले बैठे। तो ऐसे तुमने अपना हाथ यहाँ लगा लिया पेट पे लगाने का जो कमर है वो गुलाई में है, अगर ना खाए तो अपनी जो बॉडी है उससे छिपा लो, थोड़ा सा इससे छुपा लो, भले ही वो गुलाई में डाला है सीधा हो जाएगा, ये टेढ़ा नहीं करेगा ऐसे। ये हो गया और ये जो पैर छिपके हुए थे मेरे, इस तरीके से मैं पैर खोल दूंगी, बस इस तरीके से लेके बैठ गया। अब इसमें तुम अपने बात करते रहो, जो भी आपने घर के काम है वो किसी से बातचीत करें और धीरे धीरे इसकी ये मुट्ठी खोलने की कोशिश करो। एक साथ सारी चीज़ों को करोगे ना, जैसे अब मैंने यहाँ पे पैर खोल दिया, कमर को सीधा कर दिया, तो अब जब मैं मुट्ठी खोलूंगी ना तो ये हो सकता है चीखे रोए, तो समझना कि सब कुछ एक साथ हो रहा है, तो ये नहीं कर रहे गुड़िया छोड़ रहने इस तरीके से लेके बैठ गया। ये जितना तुम बच्चे को झूला झुलाओगे उतना ये ढीला होने की कोशिश करेगा, ठीक है। इस तरीके ऐसे एक दिन में 6-7 बार करो 15-15 मिनट के लिए, जब ये थोड़ा सा ढीला हो जाए तो फिर ये इस तरीके से हाथ को ऊपर लेके जाना है, रोक के रखना, वापस बैठ के इसी को दिशा, ठीक है। फिर इस तरीके से ये चीज़, ये ना ऐसे नहीं करना है, हमेशा हाथ ऐसे ही मोड़ के रखना है ना, तो इसको इस तरीके से सीधा देखो आप टाइट हो गया, ठीक है, छोड़ दिए हो गया। अब इस तरीके से अगर मान लो हाथ को छूने ही नहीं दे रहा, क्योंकि ये दोनों मैंने टाइट खींच रखा है, तो बिस्तर पे लेटा के करना, अगर हाथ वाली करना तो बिस्तर पे लेटा, लेकिन बॉडी को इस तरीके से सीधा ही रखना है। ये देखो अब लग रहा है थोड़ा सा सीधा, मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं पता, तो मेरे को इसी तरीके से बच्चे को ये वाली फोटो देखो, ऐसे बच्चे को लेना, पैर अलग गोद में लेना, ऐसे पैर अलग, ऐसे पैर अलग, इस तरीके से पैर हमेशा 24 घंटे अलग होना चाहिए। ये नहीं कि 15 मिनट की एक्सरसाइज की, आधे घंटे की एक्सरसाइज की, फिर बच्चे ने पैर पर पैर चला लिया तो बच्चे में अंतर नहीं आएगा। जब लेटाना है तो इस तरीके से लेटाना, बीच में एक तकिया लगाना रोज, ठीक है, इनको खोलेंगे और एक तकिया इधर बनाना जो हाँ मेरा पैर है, और दूसरा तकिया लगाना इसके सर के पास, ताकि बॉडी सीधी रहे। एक कपड़े का या साड़ी का झूला, ठीक है, साड़ी का झूला बना के बच्चे को उसमें डाल, जितना बच्चा ये इस तरीके से झूलेगा उतना ये ढीला होगा, तो एक झूला बनाना है। दूसरा इस तरीके से रखो, ये वाली मूवमेंट, 1, 2, 3, 4 ऐसे में 10 बार कर दूंगा, ये थोड़ा सा अभी ढीला होता है, पहले नहीं करने दे रहा था, ठीक है। बस बेटा इसमें भी अगर तुम्हें लगे कि पैर इसने चढ़ा लिया तो पैर, ठीक है। कहने का मतलब ये कि ज़्यादातर बच्चे को गोद में लेना है, पैर अलग अलग करके, पेट पे अलग अलग करके, ठीक है, गोद में भी पैर अलग अलग करके, जब बिठाना है तो हमेशा इस तरीके से इनको ऐसे बिठाना है, एक गोल सा तकिया बना लेना उस तरीके का, पीछे देखो तकिया बना हुआ है, अपनी जान के साइज का तकिया बना लो, ठीक है, उस पर इस तरीके से पैर अलग अलग करो, शाबाश। अब देखो ये अकड़न की वजह से इतना अकड़ा हुआ है ना कि टाइट की वजह से खड़ा हो गया, बैठ ही नहीं रहा। कान्हा बैठ जा, ढीला हो ढीला हो ढीला हो ढीला हो, शाबाश।